हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरिंग मॉम बाय एचके। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बच्चों के जो भंवर होता है उसके रिलेटेड जो बातें हैं वो मेरे लिए सही हुई या गलत हुई। कहा जाता है कि अगर पहले बच्चे के क्लॉक वाइज जो भंवर हो, जिसे पंजाबी में हमारे पंजाबी लोग पगबल बोलते हैं, तो नेक्स्ट बच्चा जो वो बेटा होता है। तो मैं बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ इन माय केस। ठीक है, मेरी बच्ची के पहली बच्ची के जो क्लॉक वाइज था, मैं आपको पिक्स में ज़रूर दिखाऊंगी। और मेरी नेक्स्ट बच्चा है वो भी मेरा बेबी गर्ल ही हुई, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर आपके दोबारा बेटी हो गई है। वैसे जस्ट एक मिथ थी जो वो ख़त्म हो गई, वो मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गई। हाँ, कुछ लेडीज़ ऐसा कहती हैं कि अगर बच्चे की गर्दन के नीचे बाल है, ठीक है, जैसे कि पिक्चर में देख रहे हो, तो पहले बच्चे के अगर ऐसे गर्दन में लंबे से बाल हैं तो आपके जो आने वाला बच्चा है वो लड़की ही होने वाली है। काफ़ी ओल्ड लेडीज़ ने ऐसा कहा था, और कुछ वही ओल्ड लेडीज़ उनकी जैसी ओल्ड लेडीज़ कहती थी कि क्लॉक वाइज है तो लड़का ही होगा। सो ये सब मिथ्स होती हैं, इससे बच्चों का नेचर का भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बच्चों का जो नेचर है वो पेरेंट्स पर डिपेंड है। बच्चों का नेचर उनके पेरेंट्स, उनकी परवरिश, उनके आसपास का माहौल डिसाइड करता है, ना कि जो अपने इस हेड पर बने जो भंवर होते हैं वो डिसाइड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू।